गीता पाठशाला या मधुबन में जो क्लास चलता है, हाँ जी, तो कोई सो जाता है तो उनको उठाना चाहिए या वो लोग वैसे ही सो जाए या जाके हाथ मुंह धो के आना अच्छा? उसके स्वभाव संस्कार को देख करके करो, ऐसे नहीं तुम तो अच्छे के लिए करो और उंगली से छो दिया और तो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे। वो लोग क्या करना चाहिए, वैसे ही बैठे रहने या नींद आए तो जाके? हाँ बता ना, मौके को देखो, स्थिति को देखो, उसके स्वभाव संस्कार को देखो, आसपास के माहौल को देखो, योग्य है तो जगा दो। पूछा, जो ईश्वरीय सेवा तो करते हैं लेकिन अपनी सेवा दूसरों से लेते हैं, तबीयत ठीक होते के बावजूद भी दूसरों से अपनी सेवा लेते हैं, उनकी क्या शूटिंग होती है? बताओ, भारत की क्या शूटिंग हो रही है अभी है? भारत की सरकार छोटे छोटे विदेशी देशों को भी सहयोग दे रही है, उनकी भी सेवा कर रही है और खुद बड़े बड़े देशों से उधार लेते रहते हैं, सेवा लेते रहते हैं, तो हिसाब किताब क्या बनता है? है बाबा तो कहते हैं कि अभी देने वाले भी नहीं रहेंगे और लेने वाले भी नहीं रहेंगे, तो देने वाले बुद्धू हैं, जो बाबा ने बता दिया राज। क्या राज बता दिया? उधार लेना नहीं और उधार देना नहीं। बाकी अज्ञानी है उनकी तो सेवा करनी ही पड़े, उनकी सेवा करेंगे तो वो खुश होंगे। जो चिट्ठी लिख करके भेज रहा है वो ऐसी सेवा लेने वालों से दुखी है या सुखी है? चिट्ठी लिख के भेज रहा है तो दुखी है या सुखी है? दुखी है, तो ऐसी सेवा से क्या फायदा जो दुख पैदा कर दे? सेवा भी तामसी होती है, राजसी होती है और सात्विकी भी होती है। सात्विकी सेवा जी वो है जो लेने वाले भी खुश और देने वाला भी खुश। लंबा लंबा एक कागज वापस करके एक एक बात करके पूछो। लो ना ना, जिसने लिखा है वो पूछे। कोई भी हो तो उनकी तेलुगु को समझ करके और हिंदी में अनुवाद करके फिर अगली बार बताना, ये रखो अपने पास। ये भी लंबा चक्कर है। वाह भैया।
तीन देवियों से भी पवित्रता में सती अनुसुईया बढ़कर बताई है, लेकिन तीन देवियां तो हैं ही नहीं। बताओ भाई, तीन देवियां हैं या नहीं है? कैसे? नाम बताओ। लक्ष्मी तो एक हो गई, सरस्वती जगदम्बा एक हो गई। अरे अच्छा, लक्ष्मी किसकी भारी है? नारायण की। नारायण तो त्रिमूर्ति में है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। शंकर की पार्वती है, शंकर की पार्वती। ब्रह्मा की भारिया सरस्वती, तो ब्रह्मा की भारिया प्रैक्टिकल में हुई या नहीं हुई है? हो गई है, हो गई ना। और जो सरस्वती वो ही जगदम्बा बनती है कोई कन्या में प्रवेश करके, तो जगदम्बा भी हो गई। जगदम्बा है तो कोई जगत पिता है या नहीं है? है, है? बाकी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो विष्णु बन जाता है। तीन देवताएं प्रैक्टिकल में होते हैं क्या? होते हैं? हैं? दो ही तो होते हैं, तो न तीन देवताएं होते हैं न तीन देवियां होती हैं। ये तो समझने के लिए समझा जाता है कि कॉम्बिनेशन का जो स्वभाव संस्कार का हिसाब किताब है वो एक विष्णु देवता तैयार कर देता है। पार्वती लक्ष्मी दोनों एक ही है, सरस्वती मम्मा भी प्रैक्टिकल में नहीं है। भक्ति की कहानी झूठ है क्या? क्यों? सरस्वती मम्मा छोटी मम्मा नहीं थी है? और छोटी मम्मा छोटी मम्मी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होती है। छोटी मम्मा भी प्रैक्टिकल में नहीं है, भक्ति मार्ग की कहानी झूठी है क्या? वैसे ही त्रिदेव ब्रह्मा सु विष्णु वैष्णवी यानी लक्ष्मी पार्वती हैं तो एक ही, बाकी शंकर। तीन देवियां तीन देवता पुरुष, तो तीन पुरुष और तीन देवियां कौन? समझाइए। अरे भक्ति मार्ग में तो विष्णु झूठा ही है। विष्णु है क्या? है स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु दिखा दिया। बाकी कोई विष्णु चार भुजाओं वाला होता है क्या? नहीं। और एक बात, वार्ता में कहा कि एवर प्योर शिव एवर प्योर को पसंद करता योगिनी को, जन्म जन्म की पवित्र है। ये किसने कहा कि योगिनी जन्म जन्म की पवित्र है? कोई मुरली में क्लेरिफिकेशन बताया गया है? अगर पवित्र ही है तो योग लगाने की दरकार क्या है? और रुद्रमाला का मणका है,
रुद्रमाला का मणका स्वभाव संस्कार से दुर्योधन दुशासन होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। अभी स्त्री चोला है तो नहीं है, स्त्री चोला से बदल कर पुरुष चोला अगर बन जाए, क्योंकि रुद्रमाला में सब बच्चे हैं, बच्चियां तो कोई स्वभाव संस्कार से है ही नहीं, तो नर से नारायण बनने वाले हैं या नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं? नारी से लक्ष्मी बनने वाले नहीं हैं। क्या बनने वाले हैं? नारायण जैसे बनने वाले हैं। हाँ, नंबर अलग अलग होंगे। वार्ता नंबर 922 में कहा है, ये तो शूटिंग हो रही है शास्त्रकारों की, शास्त्रवाद करते हैं, जैसे इस शास्त्र में, इसी श्लोक में, इस अध्याय में ये कहा है। विजयमाला का आवाहन करने के भी पहले यह जानो, रुद्रमाला में बाप विदेशी बनकर आया है, आया है या नहीं? आप पवित्र प्रवृत्ति में है या पवित्र प्रवृत्ति में है? बताओ भाई, बाप विदेशी बनकर आया है तो अपवित्र प्रवृत्ति में है, बेहद की अपवित्र प्रवृत्ति में है या पवित्र प्रवृत्ति में है? है पवित्र में है। पवित्र प्रवृत्ति अनेकों के साथ होगी या एक के साथ होगी? मन बुद्धि से बुद्धि एक और है, लेकिन तन से एक और तो नहीं कहेंगे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ अभी नहीं कहा जा सकता। अभी कहा जाए तो राम वाली आत्मा को त्रेता में नहीं घसीटा जा सकता, भक्ति मार्ग में। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए तो कौन से राम हुए? जो सहयोगिनी शक्ति है वो ही त्रेता में जाकर के राम बनती है। ऐसे कुछ प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया भाई? कुछ प्रश्न किया गया, क्या प्रश्न किया गया? क्लियर तो करना पड़े। माना बाप स्वदेशी बनने के बाद विजयमाला का आवाहन करता है क्या? बोलो, बाप विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी बनकर आया है? तो विदेशी बनकर के आया है तो स्वदेशी बनेगा या नहीं बनेगा? है? बनेगा। फिर विश्व का बाप कह जाए, काला है, कहा जाएगा? है? विजयमाला का आवाहन करो बोलते हैं। विजयमाला का आवाहन करो, ये ऑर्डर किसने दिया? बाप ने दिया या दादा ने दिया? है? अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन दिया है, तो डायरेक्शन बच्चों को दिया है या बाप को दिया है? बच्चों को दिया है? बाप को दिया है क्या? बाप को अगर डायरेक्शन दिया जाए तो बाप को दरकार है। किसकी दरकार है?
है, विजय माला की दरकार है, तो बाप फिर खुदा है? खुदा खुद ही है या कोई की दरकार है? है, खुदा तो खुद ही है, उसको किसी की क्या दरकार? बच्चों को दरकार है तो बच्चे आवाहन करें, जिनमें नॉलेज कम होगी वो कोई भी स्थितियों में, परिस्थितियों में, माहौल में, व्यक्तियों के बीच में अपने को असंतुष्ट पाएंगे, और जिनमें फुल नॉलेज होगी वो कहीं भी अपने को एडजस्ट कर सकता है। नॉलेज फुल को एक बाप के सिवाय और कोई की दरकार नहीं होती। और दूसरी बात, जैसे पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर अपने अपने समय पर आए पहुंची, आई या नहीं आए पहुंची, तो वैसे ही तीसरी मूर्ति भी आएगी ना। आवाहन किस लिए करें? बोलो, है? है किसी के पास जवाब? नहीं जवाब। शेर की शक्ति नहीं है, है? शेर की शक्ति तो नहीं है ना, शेर की शक्ति तो नहीं है, शेर की शक्ति है नहीं है, शक्ति तो नहीं है ना। कौन? वैष्णव देवी। वैष्णव देवी तो मतलब दो शेर है ना, तो बकरी का आह्वान करना, बकरी का आह्वान करना पड़ेगा। बकरी का संस्कार तो तब है जब तक एडवांस नॉलेज नहीं लिया है। एडवांस नॉलेज लेते ही क्या हो जाएगी? शेर नहीं सकती हो जाएगी। अभी चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी है? चंद्रवंशी झुकने वाले होते हैं या झुकाने वाले होते हैं? तो फिर है आवाहन करना तो पड़े, लेकिन सवाल ये है आवाहन क्यों करें जबकि पता है कि 100 साल का संगम युग और तीन मूर्तियों का तीनों टाइम नुदा हुआ है, 33 साल 33 साल 33 साल, तो अपने टाइम पर आएगी ना। जब अपने आप ही आ जाएगी तो आवाहन क्यों करें? तो माँ का डायरेक्शन है, माँ का डायरेक्शन है। माँ का डायरेक्शन किसके लिए है? बच्चों के लिए। बच्चे भी तो अनेक प्रकार के हैं। माँ का डायरेक्शन है उन सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चों के लिए रुद्रमाला के, जो आवाहन करने के लिए तत्पर हैं, जो और वंशों के हैं उन्हें दरकार भी नहीं है और बुलाएंगे भी नहीं, और उनको प्रश्न भी ढेर सारे पैदा होते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे हैं वो ये बात जानते हैं कि ये 33 साल पूरे हो चुके 2003-04 में, और 3-4 से ही ये विष्णु पार्टियां जैसी ढेर पार्टियां इकट्ठी होने जोर पकड़ने लगी। और चंद्रवंशी राधा पहले प्रत्यक्ष चंद्रवंशियों के बीच में होगी या और वंश वालों के बीच में प्रत्यक्ष होगी? तो हो रही होगी,
या नहीं हो रही होगी? हो रही होगी। रही सूर्यवंशी बच्चों की बात, तो सूर्यवंशी बच्चों को तो आह्वान करना पड़ेगा, क्योंकि लंगड़े हैं, नदी तो क्रॉस कर नहीं सकते, उन्हें तो आधार चाहिए। तो और वंश में तो उन्हें जाना नहीं है, इस्लाम वंशी होंगे तो बेपरवाह होके पड़े होंगे, आए या बाढ़ में जाए, आए आए ना आए हमें कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो देवियों को मानते ही नहीं। कौन? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन या और धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवी को नहीं मानते, इसलिए उनके विचार भी नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो विरोध ही चलेंगे। क्या बुलाने की दरकार है? जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे जन्म जन्मांतर के, उनके ही विचार चलेंगे। इसलिए मुरली में भी बोला है, जो पतित से पावन बनते नहीं, वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं। और क्या कर रहा है? दिवाला निकाल के आया क्या? बाबा किसने लिखा है, बाबा तो राजा ही देने के लिए आते हैं, राजा को दिखाकर राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु राजा बनकर जन्म जन्मांतर मारकाट बचाना, दूसरों को दुख देना, इम्प्यूनिटी धारण करना, राजा बनकर क्या फायदा? ऐसा लिखा है। ऐसा राजा किस काम का? इससे अच्छा विजयमाला है ना, जो जन्म जन्मांतर प्यूरिटी को धारण करते हैं। फिर भल रुद्र वाला बाप को पहचान के फिर भी प्यूरिटी न होने के कारण दुखी है ना? दुखी है? वो हल कीजिएगा। रुद्रमाला सारी दुखी है क्या? कोई उमंग उत्साह में भी तो होंगे, उमंग उत्साह में रह के दिन रात सर्विस में भी तो लगे हुए होंगे, उन्हें खाने पीने की चिंता भी तो नहीं होगी, उन्हें पहनने की अच्छा अच्छा लक अलग पहनने की भी तो चिंता नहीं होगी, उन्हें बढ़िया बढ़िया मकान में रहने की, घूमने फिरने की भी तो चिंता नहीं होगी, ऐसे नहीं होंगे रुद्रमाला में? तो तुम ऐसे बनो, तुमको किसने कहा कि तुम लोग दड़िया बनो? लक्ष्य तो ऊंच रखना चाहिए। और अष्टदेव तो सजाए नहीं खाते हैं, और जो विलयमाला में आने वाले होंगे वो सजाए खाएंगे कि नहीं? कैसा बढ़िया लक्ष्य दिया है? नीची बात सोचने वाला नीचा लक्ष्य देगा, और ऊंची बात सोचने वाला लक्ष्य ऊंचा देगा। शिव बाबा से ज्यादा ऊंचा कोई सोच ही नहीं सकता। शिव बाबा की जो सोच है उतनी ऊंची सोच और किसी की हो ही नहीं सकती। और बाबा माताओं का प्रश्न है, गर्भगृह में रह करके बहुत सारा काम रहता है, कर नहीं पाते अकेले में, तो काम वाली को रखकर झाड़ू बर्तन कपड़े धुलवाने का करवा सकते हैं क्या? श्रीमंत क्या?
और चोरी करके ले जाए तो जिम्मेवार कौन? और चोरी करके तो आजकल ले ही जाते हैं, हत्या करके भी चले जाते हैं। और आगे चल के और ज्यादा ऐसा होगा। और अपना काम अपने हाथ से करना ज्यादा अच्छा है या दूसरों से करवाना ज्यादा अच्छा है? अपना हाथ जगन्नाथ कहा जाता है। अपने हाथ की बनाई हुई रोटी खराब ही क्यों न बन जाए तो भी कहेंगे अच्छी लगी, और दूसरे के हाथ की बनी हुई कैसे भी बढ़िया खाना बनाना वाला हो उसे कुछ दकिया नुसी निकालते रहेंगे। और संस्कार पढ़ते हैं सो अलग परावलंबी होने के, जो दूसरों से काम कराने के अधीन बन जाता है वो परावलंबी हो जाता है। पहले अपने अपने घर में चक्की से आटा पीस करके रोटी बनाते थे, वो आटा जो है वो ठंडा रहता था, उसमें गर्मी नहीं आती थी। आजकल चक्की का आटा जो बना हुआ आ रहा है उसमें गर्मी भर जाती है और वो थैले में बंद किया जाता है तो अंदर सड़ान मार देता है। उस आटे की रोटी खाते हैं जिसका सारा कंद जल जाता है। आज औरतों से कहा जाए कि चकिया घर में रख देते हैं, रोज रोज पीसो और रोज रोज खाओ, बिल्कुल नहीं करेंगी क्योंकि परावलंबी बन गई। विदेशी संस्कृति भारत में आ गई मशीनों की, आटा गूंदने की भी है। हाँ, आटा गूंदने की भी मशीन आ गई। बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं मंगाएंगे। लौकिक संबंधी में साढ़े चार लाख में आते हैं ऐसा बोला। माना कौन? माना लौकिक संबंधी आते हैं ये नहीं कहा। तुम्हारा परिवार संबंधी तो ढेर के ढेर होते हैं। संबंधी उन्हें कहा जाता है जो अपने परिवार के अंदर होते हैं। जैसे चार भाई हैं, चार भाइयों की चार बहुएं हैं, उनसे पैदा हुए अनेक बच्चे हैं, वो सब ब्लड रिलेशन में आते हैं। वो नहीं आते हैं। हैं? वो लोग नहीं आते। कौन? अपने परिवार के। अपने परिवार के लोग आते हैं। बच्चा भी आएगा, बच्ची भी आएगी। अब ये थोड़े बहनोई भी आ जाएगा, दामाद भी आ जाएगा। वो खून अलग हो गया। बाबा भक्ति ज्ञान वैराग्य ऐसे बोलते ना बाबा, भक्ति ज्ञान वैराग्य। वैसे बोलते ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या है? वैसे क्यों बोलते हैं? पहले भक्ति है ना, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य। पहले भक्ति तो नहीं है, आपने लगा दिया पहले भक्ति है। भक्ति वैराग्य दुनिया में बोला जाता है भक्ति ज्ञान वैराग, क्योंकि दुनिया वाले सब भक्त हैं। वो समझते हैं हम भक्ति खूब करेंगे तो भगवान हमको आकर के फल देंगे, ज्ञान देंगे, फिर ज्ञान से हमारी सदगति होगी, ऐसे समझते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। वास्तव में पहले भगवान आता है, भक्तों को ज्ञान देता है तो उन्हें भक्ति से वैराग आ जाता है।
और भक्ति मार्ग के हिसाब से भी अगर देखा जाए ज्ञान भक्ति वैराग तो भी ठीक है, क्योंकि ज्ञान दाता पहले आता है या ज्ञान पहले आता है? ज्ञान पहले आता है, ज्ञान दाता बाद में प्रत्यक्ष होता है। इसलिए बोला ज्ञान और भक्ति से वैराग्य। अनसुईया का बेटा दत्तात्रेय को बताया है, अनसुईया का बेटा दत्तात्रेय का बेटा दत्तात्रेय को बताया माना ब्रह्मा विष्णु की आत्मा और ये यही है, ज्ञान मार्ग में साबित नहीं हो रहा है, ये ज्ञान मार्ग में साबित नहीं हो रहा, टैली नहीं हो रहा है। क्यों? जो ब्रह्मा माना कृष्ण बच्चे का जन्म संगमिनी लक्ष्मी नारायण से हो रहा है और यहाँ ब्रह्मा का जन्म लक्ष्मी नारायण से हो रहा है, संगमयुगी लक्ष्मी जो है वो अगर जगदम्बा से हिम्मत न लेती और जगदम्बा हिम्मत न करती प्रजापिता को सुनाने की तो कहाँ से आता? तो हिस्सा जगदम्बा का नहीं है, लक्ष्मी ने हिम्मत की नारायण बनने वाली आत्मा को साक्षात्कारों की बात सुनाने की। है हिम्मत? नहीं है। तो हिम्मत है बच्चे मदद बाप, नहीं तो फिर लक्ष्मी ही अम्बा बन जाती ना, जगत की अम्बा वो ही बन जाती, वो जगदम्बा का टाइटल नहीं ले सकती। सारे जगत में ब्रह्मा भी आ जाता है, उसकी भी अम्बा है, जगत पिता की भी अम्बा है, पहले ब्राह्मण की भी अम्बा है। इसलिए दत्तात्रेय कोई और नहीं है, दत्ता माने दिया हुआ, त्रेय माने तीन के द्वारा, तीन के द्वारा जिसका जन्म हुआ वो है दत्तात्रेय। अर्थात ब्रह्मा का जन्म तीन से हुआ या अकेले हुआ? वास्तव में ब्रह्मा कौन है सहन शक्ति धारण करने वाला? दादा लेखराज। तो दादा लेखराज का जो जन्म हुआ है, अपनी आत्मा की पहचान हुई है कि मैं ब्रह्मा हूं, उसके लिए निमित्त तो कौन तीन आत्माएं बनी? जगदम्बा, लक्ष्मी और जगत पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर। गुण कौन ग्रहण करता था? गुण ग्राहक स्वभाव किसका था? ब्रह्मा का था, विष्णु का था, शंकर का था, ब्रह्मा माने जगदम्बा। त्रिदेवों का गुण ग्राहक स्वभाव है या सिर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा का गुण ग्राहक स्वभाव है? दादा लेखराज ब्रह्मा का गुण ग्राहक स्वभाव है तो वो ही दत्तात्रेय हुआ। किसको पालता था? कुत्तों को ज्यादा पालता था। दुनिया में भी देखा जाए तो कौन से धर्म वाले हैं जो कुत्तों को बहुत प्यार करते हैं? कुत्तों को देते दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं, भगवान के बच्चे भूखों मर रहे हैं और कुत्तों को कारों में लिए लिए फिरते हैं, खीर पूड़ी खिलाते हैं। कुत्ते पालने वाला स्वभाव संस्कार वाला व्यक्ति का नाम क्या रख दिया शास्त्रों में? दत्तात्रेय। अब अगर यहाँ तो सती अनसुईया के जन्म देने वाली बात है, सती अनसुईया के जन्म देने वाली बात
हाँ, तुम्हें क्या पता कि वो अष्टदेव कब आए थे ज्ञान में? कोई बाप के तीन बच्चे हैं, तीन बच्चों में एक बड़ा है, एक मझला है, एक छोटा है। पहले पहले बच्चों की पैदाइश कौन करता है? अरे ये भी कोई मुसीबत है, है? अरे कोई बाप को तीन बच्चे हैं, पहले पहले बच्चों की पैदाइश कौन सा बच्चा करता है? बड़ा बच्चा करता है। तो जो शंकर है, जगत पिता है, उससे पहले पहले पहलौटी के आठ बच्चे पैदा हुए। कौन कौन? एक तो वो स्वयं ही है और बाकी सात और हैं। उन सात में से वो पहले का जब जन्म होता है उसी समय ये प्रेरणा मिलती है कि ब्रह्मा को ज्ञान सुनाया जाए, इसलिए वो अनसुईया ही निमित्त है। और ये सृष्टि से परे हैं तीनों देवताएं, सूक्ष्म वतनवासी हैं। जो सृष्टि की आदि की बात कर रहे हैं वो सूक्ष्म वतनवासी तीन देवताओं की बात हुई। साकार सृष्टि में पहले पहले अत्रि अर्थात अत्रि का ही नाम आता है, अनुसुईया का ही नाम आता है। काशी नगरी ही आदि में है और काशी नगरी ही अंत तक रहती है और सब विनाशी नगरियां हैं। उसका विनाश नहीं होता, इसलिए सूर्यवंश और चंद्रवंश ही सृष्टि के आदि कारण हैं। और पिछले बार की क्लास में बताया गया है सभी अनुसुईया को पिता को भी अग्नि परीक्षा देगा, सभी राम स्वीकार करेगा, सभी राम स्वीकार करेगा। इसका मतलब अभी सरेंडर नहीं है क्या है? और जो अग्नि परीक्षा लेना चाह रहा है पिता, वो लोग जो सभी अनुसुईया हो या पिता हो, अभी वो बाहर है क्या? अष्ट देवों को दुनिया तब मानेगी जब कोई करिश्मा करके दिखाए, जो करिश्मा दुनिया वालों ने न किया हो, नहीं तो नहीं मानेंगे। अरे बाप भी गुप्त है, अनुसुईया भी गुप्त है, दुनिया कैसे मानेगी? बाप बाप अपनी नजर की बात थोड़ा ही कर रहे हैं, बाप तो दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया में प्रत्यक्ष होना है ना, सारी दुनिया के पूर्वज हैं ना, किस बाप के लिए और बाप के बच्चों के पूर्वज हैं। परीक्षा मतलब क्या और किस प्रकार से दिया जाता? फाइनल पेपर हो गया, 108 का हो गया, 1008 का हो गया, 16000 का हो गया, 8 का हो गया, फिर अग्नि परीक्षा माने किस प्रकार से दिया जाता है? अग्नि योगाग्नि की परीक्षा है, किसने कितना योग का बल धारण किया है उसको कहा जाता है योगाग्नि की परीक्षा।
बाबा विश्वामित्र और वशिष्ठ भगत की मुनि ये सारे मनुष्य मुनि थे, अगर इनको बाबा ने कहा मनन चिंतन करने वाले थे, ये सब मनन चिंतन करने वाले थे बताया, तो फिर अभी अत्री मुनि शिव को बताया, शिव को बताया अत्री मुनि, अत्री मुनि किसको बताया, अत्री को बताया, शिव को बताया, शिव बाप को बताया, लेकिन भगवान को भी मनुष्य के लिस्ट में डाला है, भगवान मनुष्य बनकर के नहीं आता है, मनुष्य के लिस्ट में डाला है, मगर भगवान मनुष्य रूप में नहीं आता है क्या, फिर क्या है, तो मनुष्य तक करता नहीं, वो तो असुचिता है, असुचिता है, हाँ तो मोदी के लिस्ट में कहीं डाला है, मोदी के डाला गया, अत्री को मनुष्य की लिस्ट में क्यों डाला गया, डालने वाले कौन है, अत्री मुनि को मुनि की लिस्ट में डाला दे, डालने वाले हैं कौन, चुप क्यों हो जाते हैं, मनुष्य गुरु ना, तो उनसे तो कुछ भी भूला हो सकते, ऐसा पॉइंट आया है, शिव का भगवान है, शिव भगवान है ना, शिव भगवान है, शिव ज्योति बिंदु के रूप में भगवान है, या साकार में आने के बाद भगवान है, फिर अब आगे बोलो, हाँ चलो दूसरा पैंतर बदलो, कुमारी है सूर्यवंश पहले या चंद्रवंश पहले, सूर्यवंश पहले, जो पहले होता है वो ज्यादा ओल्ड इज गोल्ड होता है, या जो बाद में होता है वो ज्यादा ये ओल्ड इज गोल्ड होता है, हाँ हाँ जन्म जन्मांतर से भी ऊपर संगम युग भी कोई है कि नहीं है, तो संगम युग में जो रुद्रमाला के मणके हैं वो विजयमाला से भी पहले हैं या बाद में है, तो ज्यादा पवित्र कौन होने चाहिए, अकेली तुम तो अनसुईया की बात कर रहे हो, ये रुद्रमाला के सारे ही मणके ज्यादा पवित्र हैं, ये डायरेक्ट शिव की संतान है, ये आत्मिक स्थिति पहले धारण करेंगे, जो देहभानी होगा वो पहले धारण करेगा, जो आत्माभिमानी होगा वो पहले आत्मिक स्थिति धारण करेगा, निराकारी स्टेज पहले धारण कौन करेगा, तो वो ही ज्यादा पवित्र हुआ, ये एवर प्योर के डायरेक्ट बच्चे हैं, हाँ जी वो अभी है ना, जब तक उनकी योग सिद्धि नहीं होती है तब तक के लिए, प्रैक्टिस पक्की नहीं होती है तब तक के लिए, और हम लोग में एक प्लेन क्रैश हो गया तो 158 तो मर गए ना बाबा, तो बंगलौर प्रॉपर में, मंगलौर में, केरला में, अच्छा कर्नाटक में ही, शरीर मिल जाएगा, दो तीन दिन हुए, उनको शरीर मिल जाएगा, अब वो अचानक मौत हुई है तो उनको तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, बाबा
तिरुपति बालाजी का दूसरा पत्नी बीबी नानकारी है। क्या नामकारी है? बीबी नानकारी। बीबी नानकारी अम्मा तिरुपति बालाजी मुस्लिम औरत। बीबी नानचारी। बीबी नानचारी क्या? पत्नी। तीसरी पत्नी है? है तीसरा बनका है क्या? ये ढेर सारी दुनिया भर की बातें भूत प्रेत निकालता है या शिव बाबा निकालता है या ब्रह्मा बाबा निकालता है? है शिव बाबा तो शास्त्रों में से भूसे में से निकालता है और टीचर के रूप में शिव बाबा मुरलियों में से जो असली असली बातें हैं उनका सार निकालता है और ब्रह्मा बाबा दिव्य गुणों का सार निकालता है। ये कौन सी आत्मा है? तीसरी पत्नी के बारे में कौन बोलेंगे? मुसलमान धर्म के होंगे वो बोलेंगे या दूसरे धर्म के बोलेंगे? अपने अपने पक्ष का सभी पालन करते हैं तो लड़ाई तो लड़नी चाहिए ना, कि दो पत्नियों की तो बात हो रही है और तीसरे की बात क्यों नहीं हो रही है? यह कलकत्ते वाले लड़ जाएंगे, ये क्या बात? देवियों की बात बताई, महाकाली की बात क्यों नहीं बताते? और बाबा चित्र है तो चरित्र है बोलते हैं। चित्र को चित्रों की जहाँ तक बात है वो तो मुरली में बता दिया, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। तो जो ढेर के ढेर चित्र बनाए गए हैं वो माया रावण की मत पर जब बनाए गए हैं तो उनमें तो अनेकता हो गई। असली चित्र कौन से हैं फिर जो शिव बाबा ने बनवाए? उन्हीं पर मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। बाबा ने बोला ना तुम्हारा मन क्यों कहता है उसको मत मानो, बाबा क्यों कहता है किसको मानो? नहीं मानो तो फिर आप ही बाबा से ही पूछ रहे हैं। तो बाबा तो कह रहे हैं ना मानो, छोड़ दो इस बात को। मन मानना तो मन से बोला है तो मन से बनने के लिए कुछ पूछना पड़ता है। पूछना पड़ता है ना, तो जो पूछ पूछ की पूछ वाला है वो पूछ देखे तो ये पूछ कौन निकाल रहा है? हाँ बना रहा है ना, बना रहा है ना। पहले के मुकाबले अब पूछों की जो पूछ की जो पूछ है वो कम होती जा रही है कि ज्यादा होती जा रही है? जितना बड़ा बंदर होगा उसका पूछ भी उतना बड़ा होगा। हाँ बड़ा बंदर है। और तिरुपति के दो पत्नी है, तिरुपति मतलब मेरे पति आपस में दोनों लड़े हैं, ये संपन्न स्टेज की बात है या लड़ाई अधूरी स्टेज में होती है या संपन्न आत्मा होती है तब लड़ाई होती है? है अधूरी स्टेज है तब लड़ाई होती है। है ये वाइब्रेशन की बात है, आई नहीं क्या दुनिया से बाहर चली गई है? एडवांस ज्ञान नहीं लिया है तो क्या बात वहां तक नहीं पहुंची है? एडवांस की जो बात है, जो कहानी है, जो झगड़ा है वो एक एक सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारी तक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? फिर एक मुरली का ग्राम को बताया गया, कथा इसको लाई इधर नहीं उधर गया, मैंने ये यहाँ की पाप नहीं है, इसके कल्याण है और ये सत्य है। बाबा ये तो कहावत कहानी की है, ज्ञान वर्ग के इसका कथाई कौन और गाय कौन? गाय उसे कहते हैं जो भोला भाला सीधा साधा प्राणी है, उसको कहते हैं गाय। और कसाई वो है जिसको दया है ही नहीं, दया नाम की चीज नहीं है। भोला भाला हो चाहे गैर भोला भाला हो,
उसको तो अपने स्वार्थ सिद्धि करनी है। और बाबा की क्लास में बताया गया है शिव बाबा 50 साल ही रहता है। शिव बाबा 50 साल ही रहता है ऐसा बताया गया। बाबा क्योंकि बाबा शिवपक्ष 1933 में आया हुआ है वो 50 साल का इस कब से और कब तक लगा रहे। शिव बाबा है सन 36 में शिव बाबा कहेंगे। शिव बाबा वो है जो बाप भी है टीचर भी है सदगुरु भी है वो है सन 36 में। फिर शिव बाबा हमारा बाप भी है वो हमारा टीचर भी है वो हमारा सदगुरु भी है। इन तीनों कार्यों में से सन 36 में जिसे तुम बता रहे हो वो बाबा टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाया। बाबा सदगुरु का पार्ट है टीचर का पार्ट नहीं हो तो ब्रह्मा बाबा की साक्षात्कारों का राज कैसे सुनाया। साक्षात्कारों का राज जो सुनाया है वो तो बीजारोपण करने वाले बाप का काम है। वो बाप के द्वारा प्रजापिता वाली आत्मा के द्वारा बीजारोपण हुआ ज्ञान का। प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ बाप भी प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ऐसे भी नहीं कहेंगे ये शिव बाबा है वो बाप की प्रत्यक्षता भी सन 76 से कहेंगे। तो सन 76 से लेकर के 50 वर्ष ऐड कर दो 76 भी नहीं कहो सन 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया गया तो सन 77 और 87 27 में जाकर के 50 साल पूरे होते हैं। 40-50 वर्ष लगते हैं तुम आत्माओं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने में। तुम आत्माओं को माने जो बाप के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं 4.5 लाख वो 2018 से लेकर के और 2028 तक तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। फिर दुनिया वालों का नंबर शुरू होता है। साढ़े 4 लाख तैयार हो गए माने 9 लाख तैयार हो गए। उनमें 4.5 लाख प्रवेश होने वाली आत्माएं वो भी तैयार हो गई। 9 लाख की राजधानी स्थापन हुई बाप वापस चला जाएगा। सुप्रीम सोल का काम खत्म क्योंकि बाप समान बच्चा तैयार हो गया। आकाश में जो सूर्य और चांद जो है उसको जेड कहेंगे तो फिर अभी कुछ भी टाइम का कहना है टाइम का कहना है पृथ्वी जो है अपने आप फिरते हुए सूर्य का चक्कर काटते हैं। अगर उसको जेड कहेंगे तो वो चक्कर कैसे काटते हैं। जैसे चुंबक के गोले ले लो चुंबक के गोले दोनों तरफ लगा दो और कोई चीज उनके चारों तरफ घुमाओ तो घूमने लगेगी। वो कैसे घूमती है चुंबकीय आकर्षण है ना इस आधार पर घूमती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैतन्य है। पृथ्वी का वो घड़ी का पेंडुलम है लगातार चलता रहता है चल है चालता है टिक टिक भी करती रहती है। तो टिक टिक करती है बोलती भी है चालती भी है तो ये नहीं कहेगा कि घड़ी चैतन्य है। एक सामान्य घड़ी को दोबारा कभी न कभी की देना पड़ता है मेरे पुत्री को कोई की नहीं है वो है पुत्री को कोई की देना पड़ता है। क्या क्या है की नहीं देना पड़ता है ना चाबी देना नहीं पड़ता है। वाह हर 5000 वर्ष के बाद आकर के
बाबा की याद की चाबी देनी पड़ती है ना पृथ्वी को, एक एक कण को चाबी मिल जाती है याद की। चैतन्य आत्मा हो चाहे जड़ चीज हो, जड़ का जड़ सृष्टि का एक एक कण उसकी याद से भर जाता है, तब 5000 वर्ष कार्य करता है। कैसे कहते हो चाबी नहीं दी जाती है? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी है।